जानिए कैसे वर्ल्ड कप टीम में भी कोहली पर भारी पड़ गए धोनी और रोहित। वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के सभी खिलाड़ी इस समय आईपीएल में खेल रहे हैं। जानिए किस कप्तान की टीम से कितने खिलाड़ी करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से 3 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। धोनी के अलावा केदार जाधव और रविंद्र जडेजा को मौका मिला है। रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस टीम से भी 3 खिलाड़ियों का मौका दिया गया है। ओपनर रोहित शर्मा के साथ हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भी टीम में शामिल है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से कप्तान विराट कोहली के अलावा केवल युजवेंद्र चहल टीम में जगह बना पाए हैं। किंग्स 11 पंजाब की टीम से केएल राहुल और मोहम्मद शमी को टीम में मौका दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम से केवल शिखर धवन को जगह मिली है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से 2 खिलाड़ियों को चुना गया है। दिनेश कार्तिक को बतौर बैकअप विकेटकीपर और कुलदीप यादव का मौका मिला है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से भुवनेश्वर कुमार के अलावा विजय शंकर टीम में जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स इकलौती ऐसी टीम है जिससे एक भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं।